गुरुदेव दक्षिण का सारा अरण्य खोजने के पश्चात भी हमें उस पापी का पता नहीं चला। क्या वो अधर्मी हमारे हाथ से बच जाएगा? क्या हम ब्राह्मण देवता को कभी न्याय नहीं दिलवा पाएंगे? इसकी चिंता ना करें राम, हमारी सारी सेना उस दुष्ट को ढूंढने में लगी है। गुरुदेव, वो देखिए, कोई आश्रम जान पड़ता है। चलिए वहां चलकर देखते हैं, उस अधर्मी का पता संभवतः वहीं से चल जाएगा। चलिए। ब्रह्मांड में फैला हुआ सारा अस्तित्व करुणामय है। अस्तित्व की रचना को पंच महाभूत संभालते हैं। पंच महाभूत अर्थात अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल व आकाश। जल अर्थात वर्षा सभी की भूमि पर बरसती है। वो ये नहीं देखती कि ये भूमि वैश्य की है या शूद्र की। सभी की भूमि पर समान वर्षा होती है, वहां कोई भेद नहीं होता। सूरज सभी के लिए निकलता है, हवा सभी के लिए बहती है। सूरज केवल सवर्णों के लिए ही नहीं निकलता और हवा केवल ऊंची जाति वालों के लिए ही नहीं बहती। वर्षा अगर भेदभाव करती तो सवर्णों की भूमि पर ही बरसती, अशुद्ध वर्षा से वंचित रह जाती। निसर्ग के ये तत्व सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है, वहां कोई भेदभाव नहीं है, न कोई ऊंच है न कोई नीच है। शिष्यगण, पहले ऐसा नहीं था। हमारे पूर्वज धन धान्य से परिपूर्ण थे, हमारे नगर उन्नत थे, एक सुसभ्य संस्कृति थी हमारी। विदेशी क्रूर आर्यों ने आक्रमण कर हमारी नागरिक सभ्यता को नष्ट कर डाला, हजारों नर नारियों का वध कर डाला और अन्य लोगों को दास बनाकर अपनी वैदिक ब्राह्मणी सभ्यता की स्थापना की। मैं पूछता हूं, उनकी संस्कृति में क्या है? क्या है उनकी संस्कृति में? कुछ नहीं, सारी असमानता है। और इसीलिए हमें शिक्षित होकर उनकी पाखंडता को सारे लोगों के सामने लाना होगा और तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। मानव मानव में भेद करने वाले वैदिक धर्म की हमें आवश्यकता नहीं, बल्कि निसर्ग के भेदभाव रहित नियमों को स्थापित करना है। और यही मेरी शिक्षा है शिष्यगण, गांव गांव नगर नगर जाकर समानता की शिक्षा दो, जाति भेद की असमानता को समानता में परिवर्तित करो। प्रकृति कभी नहीं हारती, एक दिन तुम्हारी अवश्य विजय होगी। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। जीवन का पूर्ण विराम है मृत्यु, मृत्यु सत्य है। इसीलिए तुम्हारा जीवन एक सपना है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो, सबके जीवन की अनिवार्य घटना है मृत्यु। मृत्यु तुम्हारे अहंकार को छीन लेती है, केवल एक मानव की तरह तुम जीते हो, वहां कोई भेद नहीं है। मरने के बाद तुम जन्म लोगे या नहीं, ये पुनर्जन्म की कल्पना मिथ्या है, क्योंकि तुमने इस जीवन को एक मानव की तरह नहीं बल्कि शूद्र, क्षत्रिय या ब्राह्मण की तरह जिया है। चातुर्य वर्ण व्यवस्था में जकड़े हुए तुम लोग स्वाभिमान के साथ नहीं जी रहे हो। तुम नीच रहकर मर भी गए तो तुम्हारे माथे पर लगा नीचता का कलंक मिट नहीं जाएगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी नीची कहलाएगी। यही अमान्य प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी, इसे समाप्त करो। हे अतिथि, मैं आपसे परिचित तो नहीं हूं, किंतु इस आश्रम में आपका स्वागत है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करके हमें अनुग्रहित करें। आपका प्रयोजन और आगमन सफल हो, आपका मंगल हो। हमारा दुर्भाग्य कि हम आज तक आप जैसे महाज्ञानी ऋषि के प्रवचन और सत्संग से वंचित रहे। परिचय के अल्पकाल में ही आपने मुझे इतना सम्मान दिया, यह आपके उच्च विचारों और आदर्शों का द्योतक है। हे अतिथिगण, कृपया आप आसन ग्रहण करें। विराजी, Thank you.
मुनिवर, आपके अनमोल वचनों के कुछ अंशों को सुनकर हम आपके कृतज्ञ हैं। ऐसे उच्च विचार तो हमने जीवन में प्रथमता ही सुने हैं। मुनिवर, हम दशरथ पुत्र राम हैं। अहो भाग्य हमारे, आज इस आश्रम की भूमि आपके आगमन से पावन हो गई। स्वयं प्रजापालक ही हमारे आतिथ्य में आए हैं। मुनि श्रेष्ठ, आप जैसे महान ज्ञानी ऋषियों के कारण ही हमारे राज्य की भूमि पावन है, किंतु आज तक आप जैसे सदगुरु से हमारा परिचय कैसे नहीं हुआ? मुनिवर, क्या मैं पूछने की दृष्टता कर सकता हूँ कि आप किस गोत्र और कुल से संबंधित हैं? अतिथि, मैं शंभूक, मैं शूद्र कुल से हूँ। भ्रष्ट कर दिया शूद्र ने, पानी पिलाकर अपवित्र कर दिया हमें। छी छी, अब श्रेय शुद्धि के लिए गौमूत्र छिड़कना होगा। ज्ञान की ऊंचाई पर एक नीच शूद्र, हमारा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। किंतु ये सत्य है राजा राम, मैं शूद्र हूं। ज्ञान की गंगा का स्पर्श मात्र ही जिनके लिए वर्जित है, उनके पास ज्ञान का भंडार असंभव। तभी तो राम राज्य में अराजकता फैली है। राम, क्या आपको ज्ञात है कि धर्मानुसार आपका अपराध जघन्य है? मेरा अपराध? क्या शूद्र का ज्ञान प्राप्त करना अपराध है? हाँ, अपराध है। जिसके कारण हमारे राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई। हे कर्तव्यनिष्ठ राम, बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि निष्कारण ही आप मुझे ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का दोषी ठहरा रहे हैं, जिस घटना से मेरा कोई संबंध नहीं उसका मुझ पर। राजा राम, मैंने कहता था जिसका जो कार्य है वही कार्य उसे करते रहना चाहिए, नहीं तो ये शूद्र भी एक दिन अपना सर उठाकर हमको ज्ञान पढ़ाएंगे। राजा राम, तुमको असंगत कहेंगे। शंभुक, तुमने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। मैंने किसी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, मैं एक ही धर्म को मानता हूं, वो धर्म है प्रकृति का धर्म, और उसके अनुसार सभी मानव समान है, ना कोई ब्राह्मण है ना कोई शूद्र है। देखा देखा इसकी जीवा कैसी लप लपा रही है। भविष्य में शास्त्र धर्म की शिक्षा लेकर तुम राजा राम को ही आह्वान दोगे? ऋषि, हमें किसी राजसत्ता और वैभव की लालसा नहीं है, हमें तो सिर्फ एक मानव जैसा जीवन व्यतीत करना है। और फिर बस समाप्त करो तुम्हारे वचन। दो अक्षर क्या पढ़ लिए, हमें ही ज्ञान की भाषा सिखाने लगे। राम, ये अपराधी है और इसे दंड मिलना ही चाहिए, नहीं तो ऐसे पापियों के कारण हमारे राज्य में आपत्ति आ सकती है। आपके धर्म की पाप और पुण्य की कल्पना से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। वो सारा पाखंड आपने अपने स्वार्थ के लिए रचा है और सारी प्रजा को मूर्ख बना रहे। अपनी वाणी को रोको शंभुक, हम अपने परम पूज्य गुरु का और अपमान नहीं सह सकते। तुमने धर्मोल्लंघन किया है जिसके कारण हमारे राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई। हम अपने राज्य के ब्राह्मणों को और व्यथित नहीं कर सकते शूद्र। किंतु ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का कारण मैं कैसे हो सकता हूँ? हे राजन, बड़ी नम्रता से दुस्साहस कर रहा हूँ, आप तनिक अपने मन दर्पण में झांक कर तो देखें, तो आपको पता चलेगा कि आज की और कल की आपकी छवियों में कितना अंतर पड़ा है। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, राजा के अहंकार को क्षण के लिए त्याग कर तो देखो। मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि देवताओं के मान्यवर दशरथ पुत्र राम का इतना नैतिक पतन हो जाएगा। किसी ने बस कह दिया तो आपके सोचने की शक्ति क्षीण हो गई, राजदंड की आड़ में ऋषियों का वध करने के लिए उद्युक्त हो गए। दोषी मैं नहीं राजा राम, अपितु ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु के लिए दोषी आप हैं। अपनी विष उगलती जिह्वा को रोको शंभुक। मुझे भयभीत करने की चेष्टा न करो राम। जब जब किसी शूद्र ने परंपरागत सामाजिक दास्तां की बेड़ियां तोड़ने की चेष्टा की, तब तब धर्मांधों ने उसकी हत्या कर दी। मुझे मृत्यु का भय नहीं राम, एक शंभुक जाएगा तो दूसरा शंभुक निश्चित ही पैदा होगा। शंभुक मैं राम, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का लघु जीवन भी दास्तां और अपमान से भरे दीर्घायु से कई गुणा सुखकर है। अब यदि एक भी शब्द तुम्हारे मुख से और निकला तो मैं सत्य हूँ और सत्य की कभी मृत्यु नहीं होती।
न्याय प्रिय प्रभु रामचंद्र की जय। न्याय प्रिय प्रभु रामचंद्र की जय। न्याय प्रिय प्रभु रामचंद्र की जय। न्याय प्रिय प्रभु रामचंद्र की।